राजीव दीक्षित जी आप कह सकते हैं कि वो स्वामी विवेकानंद का एक रूप थे। कम है तो राजीव दीक्षित पे वीडियो बनाकर दिखाओ। ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलते हैं। राजीव दीक्षित जी को किसने मारा? चिंचल और धवल चरित्र राजीव भाई। क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करिए, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बेवकूफी की बात है। क्यों चल रहा है ये प्रश्न आपको पूछना चाहिए। आपकी पार्लियामेंट कितनी गुलाम है इसका ये एक उदाहरण है। ऐसे एक दूसरा उदाहरण मैं दूं कि जब आपके बीच में कोई नेता वोट मांगने के लिए आए तो आप उससे पूछे कि क्या करेंगे वहां जाकर। पूछिए उनसे कि क्या करेंगे वहां जाकर, तो वो आपको दो ही जवाब देंगे। पहला जवाब देंगे कि वहां जाकर हम नीतियां बनाएंगे, और दूसरा जवाब देंगे कि वहां जाकर कानून बनाएंगे। तो उनसे कहिए कि नीतियां आप बनाएंगे कि वर्ल्ड बैंक IMF बनाएगा। अब तो नीतियां यहां नहीं बनती हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में बनती हैं, गेट के ऑफिस में बनती हैं, WTO के ऑफिसेज में बनती हैं, और वहां से नीतियां बनकर आती हैं, भारत सरकार उनको लागू करती है। और कई बार तो आपकी संसद से पूछा भी नहीं जाता और वो नीतियां लागू हो जाती हैं इस देश में। जैसे उदाहरण दूं आपको, ये जो आपके देश में पिछले कई महीनों से रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आप पूछिए ये नीति कब बनाई गई संसद में। हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण विषय है कि हमारे रुपए का दाम गिर रहा है लगातार, और पिछले 7 वर्षों से हमारे रुपए का दाम 120% गिर गया है। 1991 के साल में $1 में 18 रुपया था, आज $1 में 41 रुपया हो गया है। 120% डिवेल्युएशन हुआ है आपकी मुद्रा का। यह नीति आपकी पार्लियामेंट में नहीं बनी है, यह नीति बनी है वर्ल्ड बैंक और IMF के ऑफिसेज में और लागू हुई है आपके देश में। तो जब नीतियां वहां बनती है और लागू होती हैं, तो ये नेता जब कहते हैं कि हम वहां नीतियां बनाने के लिए जा रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इनमें से अब किसी के पास नीति बनाने की शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है, नीतियां तो कहीं और से बनती है। तो फिर वो कहेंगे कि हम कानून बनाने के लिए जाते हैं। तो पूरी ईमानदारी से पूछिए किसी भी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है। माने कानून जो बनता है उसकी जो भाषा होती है उसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो पूछे किसी खासदार से कि आपने कभी किसी कानून की ड्राफ्टिंग की है, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो ड्राफ्टिंग कौन करता है, माने कानून बनाता कौन है? कानून बनाते हैं ICS ऑफिसर्स, सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जितने अधिकारी हैं वो कानून की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो हमारे नेता क्या करते हैं, वो जो ड्राफ्टिंग होकर आती है उस पर बहस करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करते। और बहस करने के बाद अगर मैं कोई चीज उसमें से खटानी हो या जोड़नी हो तो उसको भी वो नहीं कर सकते, वापस सेक्रेटरी के पास जाएगा और वही करके भेजेगा। तो इतने हाथ अगर कटे हुए हैं आपके तो क्यों जा रहे हैं वहां पर, क्या मतलब है आपके वहां जाने का। और पिछले 50 साल से अगर संसद अपना यह नियम नहीं बदल पाई कि ड्राफ्टिंग इस देश में वो लोग करेंगे जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आजादी का मतलब क्या है। ये तो अंग्रेजों के जमाने में होता था, ICS ऑफिसर कानून की ड्राफ्टिंग करते थे अंग्रेजों के जमाने में। और क्यों करते थे अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि ICS ऑफिसर की जो ड्राफ्टिंग होती है वो कभी किसी को समझ में नहीं आती, इसलिए वो बनाया करते थे। आज भी वही होता, पर दुर्भाग्य से मैं आपको बताऊं कि इसमें हंसिएगा मत, हिंदुस्तान की संसद में बैठने वाले अधिकांश और बहुतांश लोग समझते नहीं कि वो कानून क्या है जिस पर वो बहस कर रहे हैं। हमारे देश में क्या नियम है, हमारे देश में नियम यह है कि आप किसी कंपनी में नौकरी करने के लिए जाइए तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि कम से कम कक्षा 12 पास होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान